हेलो फ्रेंड्स, इफ यू डोंट हैव टाइम टू रीड ए बुक और अटेंड सेमिनार्स और अटेंड मीटिंग्स इन द शेयर मार्केट, देन बेस्ट इज दैट यू लर्न द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम अदर्स हु आर सक्सेसफुल इन देयर शेयर मार्केट ट्रेडिंग। दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर सबसे बड़ी बात है कि शेयर को सही टाइम पे दबोचना और फिर शेयर को सही टाइम पे बेचना। बस आज इसी के ऊपर एक और बात करेंगे। मेरा नाम है अनिल शर्मा और चलिए आपसे बात करते हैं अप ट्रेंडिंग शेयर में, आज के शेयर के बारे में। दोस्तों, मैं जिस शेयर के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं उसका आप यहां पर देखिए ज़रा क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। आप सेल्स देख लीजिए तो कंटिन्यूसली जो सेल है वो एक साल में 33 करोड़ से बढ़कर 132 करोड़ हो गई है। क्वार्टर टू क्वार्टर 74 करोड़ से बढ़ के 132 करोड़ हो गई है। ऑलमोस्ट अबाउट 80% इंक्रीज हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर और ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है ईयर टू ईयर। यही नहीं दोस्त, देखते हैं जो इसका जो एबिट मार्जिन है या जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो एक साल में 33.78 से बढ़ के 49.96 या 50% तक हो गया है। और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 23% से बढ़कर करीब करीब 35% हो गया है। दोस्तों, ऐसी कंपनीज कहीं मिलती हैं कि जहां पर जो मार्जिन है विच इज़ एज हाई एज 34.89% ऑफ द सेल्स और कंपनी की ज़रा इक्विटी देखिए सिर्फ 8 करोड़ रुपए की इक्विटी है। क्या ज़बरदस्त ये कंपनी है कि 8 करोड़ की इक्विटी है और उसके ऊपर करीब करीब 200 करोड़ की सेल है और 35% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। अपने आप में गजब की कंपनी है ये। चलिए तो देखते हैं कि इसके थोड़े से हम चेक कर लेते हैं कि ये जो कंपनी है, आप देखिए इस कंपनी ने आज हम हैं 18 अक्टूबर 2023 में, 18 अक्टूबर को दोस्तों ये जो कंपनी है इसने यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया है। इट हैज़ मेड ए डिसेंडिंग ट्राइंगल हियर एट और ये कंपनी जो है 721 के ऊपर इसका एक सपोर्ट प्राइस है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बात बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए जो कंपनी है यहाँ पर मैंने बताया कि काफ़ी देर तक ये एक एक प्राइस के ऊपर ही रहती है। आर यू सीइंग दिस के काफ़ी दिनों तक ये एक प्राइस पर रहती है, फिर जंप करती है, फिर एक प्राइस पर रहती है, फिर जंप करती है। कंटिन्यूसली ये जंप ही कर रही है और एक साल के अंदर ये जो है 150 रुपये से इसका जो शेयर है वो 906 रुपये तक जा चुका है। कितना परसेंट हो गया? ऑलमोस्ट अबाउट 400%, रादर 600%। और इसने जो हाईएस्ट लगाया था वो 906 रुपये का इसने हाईएस्ट लगाया था। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। अब आप देखते हैं थोड़े से इसके और आगे इसके जो टेक्निकल्स हैं उसको हम चेक करते हैं। तो ये जो पैटर्न हमने देखा था, पहले हमने जो पिछले पेज में हमने कैंडलस्टिक में देखा था, ये हम लाइन चार्ट में देख रहे हैं क्लैरिटी के लिए। तो आप ये देखिए कि ये डिसेंडिंग एक ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है और इसका जो ब्रेकआउट है ये 721 के ऊपर अभी ये शेयर है, इसका जो ब्रेकआउट है जैसे ही ये 725 के आसपास पहुँचेगा और एक दो दिन ऊपर जाएगा वैसे ही जो शेयर है ये खरीद के अंदर आ जाएगा। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये शेयर अभी बाई पोजीशन में नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर ये शेयर 700 रुपये के आसपास अगर आपको मिलता है और इसका प्राइस अगर Q2 के रिजल्ट से पहले 900 रुपये तक पहुंच जाता है तो आप सोचिए कि आपको कितना पैसा मिलेगा। मेरे हिसाब से रफली अबाउट से 30%, और ये 30% हो सकते हैं कि ये जो नवंबर का जो फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपको इतने पैसे मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्त एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पर कि ये जो RSI है, RSI इज 43, अभी इसके पास बहुत स्कोप ऊपर जाने का है। लेट मी चेक एक्चुअली अगर ये पीछे ये जो MACD क्या बोल रहा है। दोस्तों, MACD भी जो है अभी जो ये ब्लू लाइन है ना ये जस्ट इसके ऊपर आई है, सिग्नल लाइन के ऊपर से। ये जो सिग्नल लाइन है ये पिंक वाली सिग्नल लाइन है और जो ब्लू वाली है MACD लाइन है, ये जस्ट इसके ऊपर आई है। लेकिन फिर भी
अभी जो है ये थोड़ा सा अगर ये क्रॉस कर जाएगी प्लस में आ जाएगा, इसका जो मैग्डी है डाइवर्जेंस जो है अगर ये प्लस में आ जाएगा तो दिस विल बी वेरी गुड। नेवर द लेस इसने अभी जो है बाई का इंडिकेशन ऑन डेली चार्ट सो इसने नहीं दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसने जो डेली चार्ट में बाई का सिग्नल तो इस कंपनी ने नहीं दिया है, तो हम इसको क्या करते हैं फिर, हम इसको देखते हैं कि अगर इसने डेली चार्ट में नहीं दिया है तो ये भी वही है। मैंने ये शायद मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी डिस्कस्ड के 721 के ऊपर एक दो दिन रहे तो क्या करना है। अब देख लेते हैं कि डेली चार्ट में तो सिग्नल नहीं मिला है, क्या कंफर्म करने के लिए हमने इसको वीकली चार्ट लगाया है। वीकली चार्ट के अंदर भी इसने सिग्नल नहीं दिया है, तो मैं आपसे एक बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, ये जो कंपनी है कि अगर हमको किसी भी नॉट कंपनी सॉरी ये जो हमको कहीं से भी कंफर्मेशन लेनी है तो कंफर्मेशन इज ओनली इन द वीकली चार्ट। सॉरी 721 के ऊपर तो वीकली चार्ट में भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपकी इसके ऊपर ना नजर जरूर होनी चाहिए। जैसे ही ये वीकली चार्ट के में 721 से ऊपर आ जाए तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो टारगेट है वो 900 रुपए का है, राइट। दोस्तों इसके जो Q2 के रिजल्ट्स हैं कंपनी के, अभी तक इनका डेट अनाउंस नहीं हुआ है, बट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 8th or 8th to 10th November, जो कि इसका पुराना रिकॉर्ड है उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन मैं आपको इतनी बात कर रहा हूँ कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये टारगेट है वो टारगेट है, लेकिन सवाल ये है कि कंपनी कौन सी है। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और इस कंपनी का नाम है Zen Technologies। Zen Technologies इज ए स्मॉल कैप कंपनी। इस कंपनी ने अभी तक 125 पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो कंपनी है फाइन ये यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, ये एंट्री ड्रोन सिस्टम के अंदर इसके कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, कम्बैट ट्रेनिंग सेंटर है। कम्बैट ट्रेनिंग सेंटर मींस के जो कम्बैट के लिए जो एम्यूनिशन यूज होता है उसके लिए है। यहाँ ये कुछ स्मार्ट फायरिंग रेंजेस की रियलिस्टिक फायर ट्रेनिंग फॉर इंडोर एंड आउटडोर रेंजेस, देन सम लाइव सिमुलेशंस, वर्चुअल सिमुलेशन, दिस इज ऑल फॉर द डिफेंस सेक्टर। दोस्तों आपको मालूम है कि जो डिफेंस सेक्टर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेट सेक्टर है, और ड्रोन्स जो हैं, ड्रोन्स आर द फ्यूचर ऑफ एवरी कंट्री, बिकॉज द वॉर्स आफ्टर मे बी अनदर 10 years विल बी मोर फॉट बाय द ड्रोन्स रादर देन बाय द मैन। सो कंपनी जो है बड़ी जबरदस्त है, इसके रिजल्ट जो है बहुत फैंटास्टिक हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ये मैं आपको Zen Technologies की बात ही कर रहा हूँ यहाँ पर, फाइन। और दिस इज़ द Zen Technologies। मेरा ख्याल है कि जो शेयर है जैसे ही ये 721 के ऊपर, ये 725 के ऊपर एक दो दिन जैसे ये टिकता है, या जैसे ही ये ब्लू लाइन वीकली चार्ट के ऊपर होती है, आपको बाय कर लेना चाहिए, और आपको 200 रुपये जो है बड़े आराम से जो है मेरे को लगता है शायद मिल जाएंगे। नहीं भी मिले 200 रुपये फिर भी जैसे ही यहाँ पर ये क्रॉस लगे आप वहाँ पर क्विट कर सकते हैं। सो यू आर बाइंग एट दिस क्रॉस, यू आर सेलिंग एट दिस क्रॉस। माई प्रेफरेंस इज कि ये जो है घड़ी के अंदर जो है, इफ यू वॉच द रिस्ट वॉच के अंदर ये 10-10 जो है दोनों होने चाहिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ रहिए, शेयर मार्केट में पैसा कमाइए। देखिए शेयर मार्केट जो है इसके अंदर कोई तुक्का नहीं चलता है, कोई सिर्फ जो तीर चलता है जो कि सही निशाने पर जाके लगना चाहिए। किसी पे विश्वास मत करिए, शेयर मार्केट को थोड़ा सा समझिए, आप इतना पैसा कमा लेंगे, इतना पैसा शेयर मार्केट में, या मैं बोलूं इतना पैसा है जितना गंगा में पानी भी नहीं है। आप पे डिपेंड करता है आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, गंगा से कितना पानी उठाना चाहते हैं। पैसा तो बेहिसाब है शेयर मार्केट में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड हैव ए नाइस डे।